निमाड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत असाटी में शमशान घाट पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को लिखित आवेदन देते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा लिखित आवेदन देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत असाटी में खुशीपुरा मोहल्ले के पास शासकीय जमीन पर बने मुक्तिधाम पर ग्राम के ही कुछ दमंगू लोगों द्वारा मुक्तिधाम के आसपास शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने निवाड़ी अनुभागीय अधिकारी सुश्री वंदना राजपूत को लिखित आवेदन देते हुए अतिक्रमणकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी सुश्री वंदना राजपूत ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए कार्रवाई की बात कही है। नमाली से एसआरबी पर रफत जाफरी की रिपोर्ट। एसआरबी बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली खबरों की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ग्राम असाटी से कुछ लोग ये शिकायत लेके आए थे कि मुक्तिधाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके संबंध में हलका पटवारी को निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण का जो भी जांच है उसका प्रतिवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें और तहसीलदार उस पर जो है आगामी कार्रवाई करेंगे। जो हमारे ग्राम पंचायत असाटी का शमशान घाट है, कुछ दमंग लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर गुमटी रख ली है और राहगीर अगर रात में निकलते तो वहाँ पर शराब पीते हैं और बदतमीजी करते हैं महिलाओं में, रात में वहाँ मतलब निकलने में दिक्कत आ जाती। तो इस कारण हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच करवाएं और ऐसी शमशान घाट को लेकर आपने जो ज्ञापन, हाँ ये हमने शमशान घाट को लेकर ज्ञापन दिया। क्या मतलब शमशान घाट में क्या हो रहा है? शमशान घाट की जो अभी बाउंड्री स्वीकृत हुई वहाँ पर, तो बाउंड्री तो वहाँ पर है नहीं, ओनली एक 10x15 का एक वो है शमशान घाट को और बाकी पूरे साइड में गुमटी रख दी उन लोगों ने। और हाँ, और वहाँ पे कुछ लोग अपनी मतलब खेती में, हम के ये हमारी खेती, हमारा पट्टा है, दमंग लोग हैं वो लोग। हाँ।